Xiaomi Mi 11 Lite versus Realme Narzo 34G speed test. तो यहां पर मैं इस Mi 11 Lite versus इस Realme Narzo 34G का स्पीड टेस्ट करने वाला हूँ. स्पीड टेस्ट करने का रीजन ये है बिकॉज दोनों ही डिवाइसेस में ऑलमोस्ट जो फीचर्स हैं वो ऑलमोस्ट 60% सेम आता है, और कहीं ना कहीं ये दोनों भी स्मार्टफोन एक दूसरे को बीट करती है फीचर्स वाइज में एंड परफॉर्मेंस वाइज में. तो फर्स्टली यहाँ पर इस थोड़े से इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में एक्सप्लेन करना चाहूँगा. तो फर्स्ट स्टार्ट करता हूँ इसके डिस्प्ले साइज से दोनों भी डिवाइसेस के. तो शाओमी एम आई 11 लाइट में जो डिस्प्ले आता है इट्स 6.55 इंच का डिस्प्ले विद 1080 2400 रेजोल्यूशन के साथ में. एंड रियलमी नाजो 34G में जो डिस्प्ले है इट्स 6.50 इंच का डिस्प्ले विद फुल एचडी. दोनों ही डिवाइसेस फुल एचडी प्लस है, लेकिन डिस्प्ले के मामले में ये एम आई 11 लाइट विन करता है. अब सेकेंडली बात करते हैं कैमरास के बारे में. फ्रंट कैमरा दोनों ही डिवाइसेस में एम आई 11 लाइट और रियलमी नाजो 30 में दोनों के जो फ्रंट कैमरास हैं 16 मेगापिक्सल के कैमरास हैं, और दोनों के जो बैक कैमरास हैं एम आई 11 लाइट में कैमरा ज़्यादा है, 64 मेगापिक्सल का कैमरा है. उसके बाद जो सेकंड वाला कैमरा है इट्स 8 मेगापिक्सल्स एंड जो थर्ड वाला कैमरा है इट्स 5 मेगापिक्सल्स. और एम आई 11 सॉरी ये जो रियलमी नाजो 34G है इसमें 48 मेगापिक्सल का कैमरा आता है और 2 2 मेगापिक्सल के दो कैमरा. तो कैमरा के मामले में एम आई 11 लाइट में पिक्चर क्वालिटी ज़्यादा बेटर मिलता है एज़ कम्पेयर टू रियल मी नाजो 30. ये मेरे एक्सपीरियंस बेस के हिसाब से कह रहा हूँ बिकॉज मैंने अपना 12 to 8 आवर्स ये दोनों स्मार्टफोन के कैमरा को स्पेसिफाई करने में मैंने अपना स्पेंड किया है. तो एम आई 11 लाइट के साथ जो मेरा कैमरा का एक्सपीरियंस है बहुत ही अच्छा है. मैंने इसके रिलेटेड टॉपिक कवर किया, यू कैन चेक इट आउट इन माई वीडियो सेक्शंस. अब बात करते हैं रैम के. तो इस एम आई 11 लाइट में जो रैम आता है इट्स 6 GB का रैम, और रियलमी नाजो 30 में रैम आता है 6 GB. यानी कि फर्स्टली ये जो एम आई 11 लाइट है ये दो वेरियंट्स में अवेलेबल है, 6 GB रैम और 8 GB रैम. और ये रियलमी नाजो 34G इसकी ये भी दो वेरियंट्स में अवेलेबल है, पहला है 4 GB रैम और सेकेंड है 6 GB का रैम. तो ये वाला जो वेरियंट है ये 6 GB का रैम वाला वेरियंट है. तो अभी फिलहाल मेरे हाथ में दोनों ही स्मार्टफोन जो है ये दोनों में 6 GB रैम्स अवेलेबल है करेंटली बेसिस पे. इवन स्टोरेज भी इसमें एम आई 11 लाइट में 128 GB का स्टोरेज है, और रियल मी नाजो 34G में भी 128 GB का स्टोरेज है. और दोनों ही डिवाइसेस एंड्रॉयड के लेटेस्ट वर्जन एंड्रॉयड 11 पर बेस्ड है. तो कहीं ना कहीं 60% फीचर्स दोनों भी डिवाइसेस के एक है. अब बारी है दोनों के परफॉर्मेंस चेक करने की, कि परफॉर्मेंस जो प्रोसेसर मिलता है यानी कि एम आई 11 लाइट में प्रोसेसर आता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732G, और रियलमी नाजो 34G में जो प्रोसेसर आता है मीडियाटेक का हेलियो G95. दोनों ही स्मार्टफोन्स के जो प्रोसेसर है वो डिफरेंट डिफरेंट अलग कंपनीज के हैं, लेकिन हाईएस्ट लेवल के प्रोसेसर दोनों ही स्मार्टफोन में अवेलेबल है. जो दोनों ही स्मार्टफोन्स के जो प्रोसेसर है वो क्विक एंड रिस्पॉन्सिव है. अब कितने क्विक है कितने रिस्पॉन्सिव है ये स्पीड टेस्ट चेक करने के बाद ही पता चलेगा. तो एज अ स्पीड टेस्ट बेसिस पर मैं इसमें कुछ एप्लीकेशंस का स्पीड टेस्ट करूंगा. तो दोनों भी डिवाइसेस में मैंने कुछ एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करके रखा है, तो अब चेक करते हैं कि यहाँ पर कौन से डिवाइसेस में फास्टली एप्लीकेशन ओपन होता है. सो लेट्स स्टार्ट द स्पीड टेस्ट बिटवीन एम आई 11 लाइट वर्सेस रियलमी नाजो 34G. सो लेफ्ट साइड में है एम आई 11 लाइट और राइट साइड में है रियलमी नार्जो 34G. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट फेसबुक एप्लीकेशन.